हेलो एवरीवन। तो यार आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास 12 सीरीज, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसमें से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक, जिसके ऑथर हैं अशोका मित्रन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स के लिए भाई फर्स्ट कमेंट में चले जाओ, आपको सारी रिक्वायर्ड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलो यार फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो इससे पहले मैं चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आऊं, मैं अबाउट द ऑथर में से तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो जानना जरूरी है, जिसके बिना चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। पहली चीज, द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेट अप इन 1940। देखो ये जो चैप्टर है ये जेमिनी स्टूडियो पे, जहां पे हमारे ऑथर अशोका मित्रन काम भी करते थे, ये एक रियलिटी स्टूडियो है। ये जो भी चैप्टर है सब रियल बेस्ड इंसिडेंट्स पे है, और जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में लोकेटेड है, 1940s में बनाया गया था, और इसके फाउंडर जो थे वो थे एस एस वासन। इस नाम को बिल्कुल याद रखना, एस एस वासन इसके फाउंडर थे और इसको लीड हेड भी करते थे, और वो जेमिनी स्टूडियो के नंबर वन एग्जीक्यूटिव भी थे। ये जो वर्ड है नंबर वन, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है चैप्टर में। मैं तब समझाऊंगा नंबर वन और नंबर टू का अच्छे से मतलब। पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो ये है, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। मतलब क्या है कि भाई अशोका मित्र ने एक बहुत बड़ी बुक, एक नॉवल लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस। ये जो चैप्टर है पोएट्स विद पैनकेक्स, ये एक छोटा सा उस बुक का स्टार्टिंग का चैप्टर उठा के आपके सिलेबस में डाल दिया गया है, क्योंकि पूरी नॉवल तो डाल नहीं सकते थे, इसलिए छोटा सा हिस्सा डाल दिया गया है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे इस चैप्टर के साथ स्ट्रगल करते हैं ये समझने के लिए कि यार इस चैप्टर की कंक्लूजन क्या है, इस चैप्टर का मोरल क्या है। देखो इस चैप्टर में डीप वॉटर या अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरह ना कोई कंक्लूजन है और ना कोई मोरल है, क्योंकि अगर आपने आज तक कोई नॉवल पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं, कोई भी नॉवल जब स्टार्ट होती है उसकी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करता है ऑथर कि उस नॉवल में जो जो करेक्टर्स आने वाले हैं वो कौन है, और उस ऑथर जो कहां पे काम करता है और कहां पे रहता है उस जगह को ऑथर एक्सप्लेन करता है मोस्टली नॉवल की स्टार्ट में। तो ये जो चैप्टर है ये भाई माय ईयर्स विद बॉस का स्टार्टिंग चैप्टर है, इस वजह से इसमें जेमिनी स्टूडियो को आपको ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा और इसके करेक्टर्स को ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा, पर उसके बाद का जो हिस्सा वो काट दिया गया है, इसलिए आपको इस चैप्टर में कोई कंक्लूजन या कोई मॉरल मिलेगा नहीं। तो इस चीज को दिमाग में रख के हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन से आप स्टार्ट करते हुए, पैनकेक्स वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स। देखो पहली ही लाइन में हमारे टाइटल के दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया, पैनकेक्स क्या था, ब्रांड नेम था उस मेकअप मटेरियल का जो जेमिनी स्टूडियो वो स्टूडियो जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो मंगाया करता था ट्रक लोड्स में। ट्रक लोड्स का मतलब क्या होता है, ह्यूज क्वांटिटीज। मतलब जेमिनी स्टूडियोज वाले भाई भर भर के पैनकेक्स मेकअप मटेरियल को मंगाया करते थे। और हाँ मैं आपको बता दूं, जिन वर्ड्स को मैंने रेड अंडरलाइन किया है उनका मैं आपको रिटन में मीनिंग प्रोवाइड करूंगा। अगली लाइन पे बढ़ते हुए, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट राति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो इस लाइन में जो पहले तीन लोगों का नाम लिया है, ग्रेटा गार्बो, मिस गोहर और विजयंती माला, इन तीनों की फोटो मैंने राइट में लगाई है। ये तीनों एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेसेस थी जो फेमस थी, जो जिनका कैरियर स्टार्ट हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में 1950s के अराउंड, और ये इस मेकअप मटेरियल को बहुत यूज करती थी उस टाइम, स्टूडियोज में बहुत फेमस था पैनकेक्स। पर मिस राति अग्निहोत्री, इन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना, राति अग्निहोत्री कौन है, फोटो मैंने लेफ्ट में लगाई है, ये जो एक्ट्रेस थी इनका कैरियर जो है वो 1990s में स्टार्ट हुआ था, ये उस टाइम फेमस हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, और इन्होंने शायद इसका नाम भी ना सुना हो। अब ऑथर इन कंक्लूजन इस लाइन में क्या कहना चाहता है कि यार देखो जो पैनकेक्स था ये स्टूडियोज में बहुत फेमस था 1940s और 50s के अराउंड, पर 1990s के दौर तक आते आते किसी कारण की वजह से ये बिल्कुल मार्केट से निकल चुका था और स्टूडियोज ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. अब क्या बताया गया, थोड़ा Gemini Studio के बारे में बताया गया है कि जो makeup department था वो Gemini Studio के upstairs of the building में था, मतलब ऊपर वाले मालों में हुआ करता था,
और उस बिल्डिंग में हुआ करता था जिसको बिलीव माना जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव का वो स्टेबल हुआ करता था किसी जमाने में। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव भाई ये इंसान है, इनको द लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन है? ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री का बंदा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़े बड़े बैटल्स जीत के इंडिया के बहुत सारे हिस्से कैप्चर करे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का ये बिल्डिंग स्टेबल माना जाता था। स्टेबल क्या होता है? एक बिल्डिंग जिसमें हॉर्सेस रुकवाए जाते हैं, तो कुछ ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पे हॉर्सेस को बांध के रखा जाता है, तो ये माना जाता था जेमिनी स्टूडियो के बारे में। अब थोड़ा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया गया है। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। तो माना जाता था कि इसके अलावा यानी जेमिनी स्टूडियो जहां पे लोकेटेड है उसके अलावा भी कई दर्जन बिल्डिंग्स थी जो रॉबर्ट क्लाइव के रेजिडेंस माने जाते थे। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, सबसे पहले ब्रीफ लाइफ का क्या मतलब होता है? ब्रीफ लाइफ का मतलब होता है छोटी सी जिंदगी, वो सिर्फ 49 ईयर्स में ही मर गए थे। तो फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनकी छोटी सी जिंदगी में और उससे भी छोटी एंड एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, मतलब उनकी छोटी सी जिंदगी के बहुत छोटे से हिस्से में वो मद्रास में रहते थे। और क्या कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, कि उन्होंने इस छोटे से टाइम में मद्रास में बहुत बारी अपनी लोकेशन, अपना रेजिडेंस बदला था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, और इसके अलावा मद्रास में उन्होंने बहुत सारे बारी अपना रेजिडेंस बदलने के अलावा क्या क्या किया था मद्रास में? एक तो उन्होंने बहुत सारे इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में बैटल जीते थे जो बिल्कुल इम्पॉसिबल माने जाते थे, तो मद्रास से ही वो दूर दूर कोनों में लड़ने जाते थे इंडिया के, और वो बैटल जीत के आते थे जो इम्पॉसिबल माने जाते थे जीतने के लिए। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, और उन्होंने ये काम और किया था मद्रास में कि जो एक फोर्ट था, एक जो मैंशन हुआ करता था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज मद्रास में, उसमें चर्च हुआ करता था सेंट मैरीज, उस चर्च में उन्होंने एक मेडन, मेडन का क्या मतलब होता है? अ अनमैरिड गर्ल और यंग वुमेन, उनसे शादी करी थी। तो मद्रास में उन्होंने रह गए ये तीन चार चीजें खत्म करी थी अपनी लाइफ की। अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स। अब देखो जो हमारा मेकअप रूम है जेमिनी स्टूडियो का, उसको समझाया गया है वो कैसा लगता था, वो एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, कुछ इस तरीके का, जिसमें बहुत सारी लाइट्स हुआ करती थी, मतलब रूम में हर जगह लाइट्स होती थी। और क्या क्या और क्या होता था? अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन बहुत बड़े बड़े मिरर्स थे उस मेकअप रूम में। देवर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, इनकैंडिसेंट लाइट्स कौन सी होती थी? देखो आज की जो मॉडर्न लाइट्स है वैसी लाइट नहीं होती थी उस टाइम जेमिनी स्टूडियो में, कुछ इस तरीके का बल्ब हुआ करता था। और इस बल्ब की मैं आपको सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं, पुराने जमाने के जो बल्ब्स होते थे वो सिर्फ लाइट नहीं छोड़ते थे, वो बहुत खतरनाक हीट भी छोड़ते थे जब जहां पे भी वो जलते थे। सो यहां पे अब आगे ये बताया गया, देवर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। फियरी मिजरी, इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है? फियरी का मतलब होता है बर्निंग स्ट्रॉन्गली, और मिजरी का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस। तो क्या कहा है ऑथर ने कि आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो कि जो लोग मेकअप कराने के लिए वहां बैठते थे उनको कैसी बर्निंग, मतलब उनको कैसे बर्निंग लगती थी अपनी फिजिकल बॉडी में, उनको कैसी आग लगती होगी अपनी शक्ल पे जब उनका मेकअप के लिए वो बैठा करते थे उन लाइट्स के आगे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका पहले हेड तो एक बंगाली हुआ करता था, हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, जो कि इतना ज्यादा फेमस हो गया था इवेंचुअली टाइम के साथ, जो इतना बड़ा हो गया था कि वो अब स्टूडियो के लायक बचा नहीं था, वो एक बहुत बड़ी हस्ती बन गया था, तो इस वजह से उसने स्टूडियो छोड़ दिया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, जो उसके बाद एक महाराष्ट्रियन उसकी जगह हेड करने लग गया था मेकअप डिपार्टमेंट को, हु वॉज असिस्टेड बाय अ धरवर कर्नाटिका। अब धरवर कर्नाटिका कौन होते हैं? कर्नाटिका उन लोगों को कहा जाता है जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और धरवर कर्नाटका में एक जगह है, तो उस महाराष्ट्रियन आदमी को असिस्ट किया जाता था एक धरवर कर्नाटिका बंदे से, एक आंध्र प्रदेश के बंदे से, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एन एंग्लो बर्मिनीज। अब देखो यार ये अलग अलग तरीके के मतलब कल्चर के लोग थे, मैं समझाऊंगा नहीं इनका क्या ओरिजिन था, आप इनको याद कर लेना क्योंकि बहुत लंबी कहानी है इन लोगों के पीछे से।
एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। और जैसे वहां पे भाई क्योंकि साउथ इंडिया में था तो वहां बहुत सारे लोकल तमिल्स भी थे, तो उस महाराष्ट्रन को इतने अलग अलग कल्चर के लोग असिस्ट किया करते थे। और यही लाइन आगे बाद में कही भी गई है, अगली लाइन में यही कहा गया, ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। मतलब ये दिखाता है कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत जबरदस्त नेशनल इंटीग्रेशन थी। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई हर जाति प्रजाति और कल्चर के लोग वहां पे हुआ करते थे, वहां कोई जात पात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। और ये नेशनल इंटीग्रेशन उस स्टूडियो में अचीव करी गई थी लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन। AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो ने ये इतनी जबरदस्त नेशनल इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश करी थी अपने स्टूडियो में, उससे बहुत पहले जब AIR और दूरदर्शन ये रेडियो और टीवी चैनल्स ने गाना गुणगान करना चालू किया था कि आप अपनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल इंटीग्रेशन करो, यानी अलग अलग जाति और कल्चर के लोगों को लेना चालू करो, उससे बहुत पहले ये चीज जेमिनी स्टूडियो ने अचीव कर ली थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन। अब यहां पे ना ऑथर ने एक बड़ा सरकास्टिकली और चिढ़ाने वाली टोन से कहा, द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, टीम ने ही वर्ड यूज किया, उसने गैंग यूज किया है चिढ़ाने की टोन में, एक फनी टोन में, कि ये जो गैंग बना हुआ था कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, एक किसी भी अच्छी सी शक्ल धारा करने वाले ग्रहण करने वाले इंसान को ये बदल सकते थे किस चीज में, हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में। अब मैं आपको धीरे धीरे ये भारी भारी शब्द का मतलब बताता हूं। सबसे पहले हीडियस का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली अगली, मतलब बहुत भद्दा। क्रिम्सन क्या होता है, क्रिम्सन भाई एक कलर है, कौन सा कलर है, जब आप रेड कलर को बहुत ज्यादा डीप रेड में कन्वर्ट कर देते हो, उसे डार्क कर देते हो, तो उसे क्रिम्सन कलर कहा जाता है। और ह्यूड का क्या मतलब होता है, हैविंग सम इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब एक कलर को जब बहुत ज्यादा यूज कर दिया जाता है। तो अब हमारा ऑथर क्या कहता है कि ये जो गैंग था ना, ये किसी भी एक अच्छे दिखने वाले इंसान को बहुत भद्दे, बहुत ज्यादा लाल कलर ह्यूड मॉन्स्टर, मतलब बहुत ज्यादा लाल इंटेंस कलर धारण करने वाले मॉन्स्टर में, शैतान में बदल सकते थे विद हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स। अब इस लाइन का टोटल मतलब क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे एक फोटो भी डाली है आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये जो लोग थे किसी भी एक डिसेंट लगने वाले इंसान को बहुत सारा लाल कलर का मेकअप डाल के एक बहुत अगली लुक, मतलब भद्दा दिखने वाले शैतान में बदल देते थे। अब देखो शायद आप में से कुछ लोग कहो कि हाँ यार ये लेफ्ट के मुकाबले राइट वाली तो ज्यादा अच्छी लग रही है, पर ऑथर ने यहां पे एक अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है। वो मोटा मोटी यहां पे ये कहना चाहता है कि यार देखो ये लोग जो थे ये इनको इतना मेकअप सिर्फ कैमरा के लिए पोता जाता था, कैमरा में ये लोग तो अच्छे लगते थे, पर अगर आप इतना सारा मेकअप के साथ इनको रियल लाइफ में देख लेते थे तो आपको ऐसा लगता कि यार ये क्या शैतान है, इसने क्या क्या अपने चेहरे पर क्या क्या ताकतें पोत रखी है, पता नहीं क्या ये बंदा है। तो ऑथर का ये कहना था कि ये मेकअप के साथ और बुरे लगते थे। मॉन्स्टर विद हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, और वो ऐसा कैसे करते थे, बहुत सारा पैनकेक लगा के एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशन, और पैनकेक के साथ साथ वो और बहुत सारे लोकली बनाए गए टोने टोटके लोशन और पोशंस का इस्तेमाल करते थे उनकी शक्ल सुधारने के लिए, या फिर ऑथर की नजर में जो कहा गया बहुत बुरा करने के लिए। दीज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। अब ऑथर याद करते हुए क्या कहता है कि ये वो दिन थे जब शूटिंग जो थी वो मोस्टली इंडोर होती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर, और सिर्फ फिल्म का 5% जो हिस्सा था वो स्टूडियो से बाहर शूट किया जाता था। इनफैक्ट ताजमहल की भी अगर उस टाइम फिल्म मेकर्स को शूटिंग करनी होती थी तो वो ताजमहल नहीं जाते थे, वो अपने स्टूडियो में ताजमहल की कॉपी बना के वहीं पर शूट कर देते थे। अब ऑथर अपना क्या एक और पर्सनल ओपिनियन अगली लाइन में रखता है, आई सपोज The sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in a movie. अब ऑथर यहाँ पे फिर टॉन्ट मारता है, फिर ताना मारता है कि मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे ये जो स्टूडियो और ये सेट की लाइट्स वाइट्स होती थी ये डिमांड करती थी कि गर्ल्स और बॉयज बहुत ज्यादा गंदे दिखे, मतलब मेकअप से उन्हें बहुत ज्यादा पोता जाए कैमरा में अच्छा दिखाने के लिए, मूवी में प्रेजेंटेबल रखने के लिए। अब ये भी ऑथर ने भाई अपना पर्सनल ओपिनियन रखे, हम तो क्या ही बोलेंगे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, अब जो ऑथर है अपने डिपार्टमेंट के बारे में एक और चीज बताता है, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हायरार्की का क्या मतलब होता है, हायरार्की होती है कि जब भाई जिसी कंपनी में ऊपर से नीचे तक
हमारे जो होते हैं पोस्ट असाइंड होती है, सबसे ऊपर मैनेजर, नीचे एग्जीक्यूटिव और फिर जो सारे छोटी मोटी पोस्ट के लोग होते हैं। तो इस तरीके से जो हायरार्की थी वो मेकअप डिपार्टमेंट में भी होती थी, और वो कैसे फंक्शन करती थी, अगली लाइन में बताया है, द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो मतलब जो सबसे टॉप का मेकअप करने वाला बंदा था वो सबसे टॉप के मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली करता था, उनके चेहरे गंदे करता था, मतलब मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड द हीरोइन, और उसका जो नीचे सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो यानी सपोर्टिंग हीरो और हीरोइन को गंदी शक्ल करता था यानी मेकअप करता था। जो जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ, और जो जूनियर असिस्टेंट होता था वो मेन कॉमेडियन को मेकअप करता था, मतलब और उससे नीचे के एक्टर्स को गंदा करता था शक्ल उनकी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। और उसने फिर एंड करते हुए लाइन को क्या बताया है कि जो भाई लाते थे ये भीड़ भीड़ लाते थे जो क्राउड का, मतलब जो भाई गाने में डांस में वो जो पीछे इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उन वो जो लोग होते थे उनका जो मेकअप करता था वो ऑफिस बॉय करता था। ऑफिस बॉय कौन होता है, या देखो ये जब मैं जहां पे मैं पीली लाइन यूज करूंगा इसका मतलब ये है कि मैंने उसको फोटो से एक्सप्लेन किया है। ऑफिस बॉय कौन होता है, ऑफिस बॉय होता है भाई वो लड़का जो ऑफिस का छोटा मोटा काम करता है, जैसे जिसको कह देते हैं भाई जरा चाय ले आ, जरा फोटोकॉपी करा दे, तो ऑफिस बॉय का काम था जो क्राउड था उसको मेकअप करना, तो ऑफिस बॉय को एक साइड का ऐसे काम दे रखा था। अब यहां पे अगली लाइन में जो ऑथर है सरकास्टिकली बड़ा एक टॉन्ट मारता है दोबारा, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। मतलब यहां पे आप देखो देखने वाली चीज है एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये चीज कहीं भी ब्रैकेट्स में गई है, तो ऑथर जो है एक बड़े एक्सक्लेमेशन हैरानी से कहता है कि एक मेकअप डिपार्टमेंट तक में भी, उनके पास इतना पैसा था क्या कि एक मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑफिस बॉय रखा गया था। और हां मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में हद से ज्यादा सरकैज़म यूज किया गया, मतलब इसकी लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट नहीं है पर इसमें सरकैज़म भर भर के यूज किया गया है, तो इस वजह से चैप्टर समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और जिन बच्चों को सरकैज़म नहीं पता मैं आपको उसका मतलब बता देता हूं, चैप्टर समझने के लिए बहुत जरूरी है। सरकैज़म का मतलब यह है कि जब मैं कोई चीज बोलूं जो होने वाली, जो चीज हो रही है उसका कंप्लीटली अपोजिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का बच्चा अगर 98 मार्क्स लाए और मैं उसको जाके कहूं कि भाई तेरे तो बहुत कम नंबर आए हैं, तो मैंने ये चीज सरकास्टिकली कही है, ये चीज मैंने सरकैज़म में कही है उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसको टॉन्ट मारने के लिए। तो ऐसे ही यहां पे बहुत जगह टॉन्ट मारा गया इस चैप्टर में। ऑन द डेज, अब अगले लाइन में क्या गया है, क्या कहा गया है, ऑन द डेज When there was a crowd shooting, मतलब उन दिनों में जब क्राउड की जरूरत होती थी, भीड़ भड़ाके की जरूरत होती थी शूटिंग की सेट पे, you could see him mixing his paint in a giant vessel. आप उसको देख सकते थे अपना पेंट मिक्स करते हुए बड़े से भाई डब्बे में। अब पेंट का मतलब ऑब्वियसली भाई पेंट वो वाला पेंट नहीं, दीवारों वाला पेंट का मतलब यहाँ पे मेकअप है। ऑथर ने फिर सरकैज़म यूज किया, टॉन्ट मारा है कि भाई वो उसकी नजर में वो मेकअप कुछ नहीं था, वो पेंट था। एंड आगे क्या कहा गया है, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और वो पेंट निकाल अपना मेकअप भाई पोतता था, मुंह पे मारता था जो भी क्राउड में प्लेयर्स होते थे, एक्टर्स होते थे उनके। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस, और वो ऐसा क्यों करते थे, ताकि जो उनके चेहरे पे, यहाँ पे मैंने फोटो भी यूज करी है, ताकि उनके चेहरे के जो सारे गड्ढे हैं वो जब तक भर ना जाए पूरे मेकअप से, जब तक उनका चेहरा बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए तब तक वो उस पर पेंट पोतता रहता था। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, ये वो काम करता था जब वो मेकअप अप्लाई करता था, ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब यहाँ पे आप देखो कॉलन में कहा गया है, उसने क्या कहा है, वो हालांकि एग्जैक्टली एक बॉय नहीं था। देखो ऑफिस जो बॉय होता है ये एक तरीके का डेजिग्नेशन होता है, एक तरीके की पोजीशन होती है, जो जो भी वही फोटोकॉपी चाय वाय का काम करता है उसे ऑफिस बॉय ही कहते हैं। पर ऑथर यहां पे क्या क्लियर करता है कि यार वो एक्चुअल में जो था ना वो बॉय था भी नहीं, वो एक लड़का भी नहीं था, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने 40s अर्ली 40s में था, यानी कि लगभग 40 से 43 ईयर्स ओल्ड का था, हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। मतलब वो एक लड़का था भी नहीं, वो एक अर्ली 40s ईयर का बंदा था जो कि स्टूडियो में बहुत साल पहले उसने काम करना चालू किया था इस होप में कि वो आगे जाके बहुत बड़ा एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिसिस्ट बनेगा। ही वॉज बिट ऑफ अ पोएट, पर उसमें वो एंड करते हुए हालांकि उस पर थोड़ा सा ऐसे कमेंट कर देता है बॉय पे, भाई हमारे ऑफिस बॉय पे, ऑथर क्या कहता है कि पर हाँ थोड़ा बहुत तो पोएट तो था, थोड़ी बहुत पोएट्री तो आती थी उससे। अब अगले पैराग्राफ में, इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, अब ऑथर फाइनली बताना चालू करता है कि वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करता था। तो वो क्या बताता है, उन दिनों में
आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। क्यूबिकल क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो क्यूबिकल ना, अगर आप कभी ऑफिस में गए हो तो ये जो एक पर्सनल स्पेस बना दिया जाता है दीवारें खड़ी करके लकड़ी की, जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, ताकि वो शांति से बिना डिस्टर्बेंस के काम कर सके, इसे क्यूबिकल कहते हैं। पर भाई हमारे ऑथर के क्यूबिकल में एक पंगा था, वो क्यूबिकल में काम तो करते थे पर टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। उनके क्यूबिकल की दो दीवारों में तो फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी। फ्रेंच विंडोज क्या होती हैं? फ्रेंच विंडोज यार ये विंडोज होती हैं शीशे की, ये क्यूबिकल्स में लगा दी जाती हैं कुछ क्यूबिकल्स में। तो मतलब ऑथर को प्राइवेसी तो कुछ नहीं मिलती थी, उसको कोई भी आता जाता देख सकता था कि वो क्या काम कर रहा है। आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज। अब ऑथर बीच में एक फनी सा कमेंट मारने की कोशिश करता है, देखो यहाँ ब्रैकेट्स भी लगे हुए हैं, कि उस टाइम तो मुझे ये तक नहीं पता था कि इनको फ्रेंच विंडोज कहते हैं, इन शीशे की इन विंडोज को। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टेयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। अब ऑथर बताता है कि वो काम एग्जैक्टली क्या करता था। ऑथर जो है वहां पे अपने डेस्क पे बैठ के पूरा दिन रात न्यूज़पेपर फाड़ता था। न्यूज़पेपर वो क्यों फाड़ता था? क्योंकि भाई वो जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज होती थी उसको फाड़ के एक फाइल में लगा देता था, ताकि वहां के डायरेक्टर्स और राइटर्स उस इंपॉर्टेंट न्यूज को पढ़ सके और उन इंपॉर्टेंट न्यूज को यूज कर सके अपनी मूवीज में, जो भी वो काम कर रहे होते थे क्रिएटिव उसमें। तो क्या होता था कि जब उसे लोग पूरे दिन रात न्यूज़पेपर फाड़ते हुए देखते थे, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब वो दोबारा यहां सरकास्टिकली कहता है, अपनी कंप्लेंट करता है कि आधे से ज्यादा लोगों को, मोस्टली लोगों को ये लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं वहां पे ऑफिस में कुछ काम नहीं करता, बस टाइम पास करता रहता पूरे दिन। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। अब यहां पे भाई बहुत एक्सट्रीम चला जाता है वो क्या कहता है कि मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कि भाई मेरे बॉस तक को, जिसने मुझे काम पे रखा था, इस काम पे रखा था, वो भी यही सोचने लग गया था कि यार ये सही में कुछ नहीं करता है, पूरा दिन बस न्यूज़पेपर फाड़ता रहता, टाइम वेस्ट करता है। सो एनीवन Who felt I should be given some occupation? तो होता क्या था कि किसी को भी अगर ये लगता था कि भाई मुझे, मैं खाली बैठा हूं और मुझे कुछ काम करना चाहिए या फिर मुझे कुछ काम दे देना चाहिए, would barge into my cubicle। Barge का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, barge का मतलब क्या होता है? Informal to interrupt or rudely। मतलब क्या है कि किसी को भी ये लगता था कि भाई मुझे कुछ काम दे देना चाहिए, वो क्या करता था, मेरे भाई बिल्कुल एकदम बिना कोई नॉक नॉक किए मेरे क्यूबिकल में एकदम घुस जाता था एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मेरे को काम देते था क्या, सुनने का उसका एक्सटेंडेड लेक्चर। मतलब कोई भी घुस जाता था और कुछ भी लेक्चरबाजी करना चालू कर देता था, अपनी पर्सनल कंप्लेंट्स या ऑफिस के बारे में कंप्लेंट्स, उसके आगे लेक्चर देने लगता था और उसे सुनाने लगता था वैसी बेफालतू की कहानियां। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड I should be enlightened। अब वो एक बारी का किस्सा बताता है। इस लाइन में ऑथर फिर सरकास्टिकली, उसको देखो यहाँ कॉलन भी यूज हुआ है, यहाँ पे ऑथर उसको फिर चिढ़ाना चाहता है कि वो बॉय तो उसका ऑफिस बॉय टाइटल तो था, पर वो जो आदमी था, वो आदमी एक दिन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, एक दिन वो क्या डिसाइड करता है कि मुझे एनलाइटन, आई शुड बी एनलाइटन्ड। एनलाइटन्ड का क्या मतलब होता है? एनलाइटन का मतलब होता है गिव समवन ग्रेटर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट और सिचुएशन। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फिर ऑथर ने सरकैज़म यूज किया, क्योंकि एनलाइटन जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली एक गॉडली वर्ड है। जब आपका गुरु आपको ज्ञान देता है, उस ज्ञान को रिसीव करने के बाद आप एनलाइटन होते हो। तो ऑथर ने यहाँ पे फिर सरकास्टिकली कहा है कि उस लड़के ने डिसाइड किया कि क्यों ना मुझे ज्ञान दिया जाए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग वेस्टेड In a department fit only for power and perverts। मतलब वो क्या कहता है कि वो मुझे ज्ञान देना चालू करता था एक दिन कि कैसे हमारे ऑफिस में लिटरेरी टैलेंट, मतलब बहुत बढ़िया लेखकों का जो टैलेंट है, वो वेस्ट दिया जाने जा रहा है, मतलब उसको बिल्कुल बेकार किया जा रहा है। किन लोगों के लिए? उन लोगों को मौका देने के लिए जो सिर्फ बार्बर्स हैं, मतलब बाल काटने वाले, या फिर उन लोगों के लिए जो परवर्ट्स हैं। पर्वर्ट्स का क्या मतलब होता है? ये आपने आजकल वर्ड सुना भी होगा काफी ज्यादा। अ पर्सन हु सेक्सुअल बिहेवियर इज रिगार्डेड एज एबनॉर्मल एंड अनएक्सेप्टेबल। मतलब भाई वो लोग जो, मतलब बहुत सेक्सुअली बहुत अजीब तरीके से, या फिर बड़े अजीब तरीके से बात करते, बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ, मतलब बेसिकली जो एक तरीके से एक हरासमेंट करते हैं, वो उन लोगों को पर्वर्ट्स कहा जाता है। तो ऑथर को भाई जो अपना बॉय है वो आके यही ज्ञान देता है कि भाई हमारे ऑफिस में बहुत बुरा हो रहा है, महान लेखकों का ज्ञान वेस्ट किया जा रहा है कुछ बाल काटने वाले और पर्वर्ट्स के लिए। सून
आई वॉज प्रेइंग फॉर द क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. मतलब जैसे ही वो अपना लेक्चर चालू करता है इस बारे में, वो ऑथर जो है वो कहता है कि मैं उसी टाइम प्रे करने लगता हूँ कि यार क्राउड शूटिंग चालू हो जाए. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. क्योंकि अगर क्राउड शूटिंग चालू नहीं हुई, उसके अलावा कोई भी और काम हुआ, तो ये बंदा मेरा पीछे नहीं छोड़ने वाला और ये मुझे अपने एपिक्स सुनाता रहेगा. मतलब अपनी बेफालतू की कहानी और अपनी कंप्लेंट्स मेरे आगे करता रहेगा. In all the instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. अब author एक general सी बात कहता है आप लोगों के लिए जो apply होती है, जो reader के लिए apply होती है, कि आप अपनी जिंदगी में जब भी आप frustrated feel करोगे, आपको एक इंसान जरूर मिल जाएगा जिसकी तरफ आपका सारा anger निकलेगा. चाहे वो openly निकले, मतलब चाहे आप खुलेआम ये चीज बोलते रहो कि इसकी वजह से मुझे दिक्कत है, या covertly का मतलब क्या होता है, silently. तो चाहे आप मन में ही उसको बोलते रहो बुरा भला कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में दिक्कत है. एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट. और अब वो बताने लगता है ऑथर क्या, कि हमारे मेकअप डिपार्टमेंट का ये जो आदमी था, यानी जो मेकअप बॉय था, ये कन्विंस्ड था, वॉज कन्विंस्ड, ये चीज मान चुका था दैट ऑल हिज वूज इग्नोमिनी एंड निग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम सुब्बू. उसने क्या कहा कि ये जो मेकअप बॉय था, ये मान चुका था, सॉरी ऑफिस बॉय था, ये मान चुका था कि उसकी लाइफ में जितने भी वूज, इग्नोमिनी और निगलेक्ट, मैं तीनों वर्ड्स का अलग अलग करके मतलब बता देता हूँ. वूज का मतलब क्या होता है, ग्रेट सोरो, मतलब बहुत ज्यादा दुख. इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम, मतलब जब आपकी कोई पब्लिकली बेइज्जती कर दी जाए. और निगलेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे वो भी लिखा है, द स्टेट ऑफ बींग अनकेयर्ड फॉर, मतलब जिस इंसान की कोई केयर ही ना करे. तो अब क्या कहता है कि भाई जो मेकअप बॉय है वो मान चुका था कि उसका सारा दर्द, उसकी जो पब्लिकली बेइज्जती करी जाती थी और उसकी जो कोई केयर नहीं की जाती थी, वो सिर्फ एक इंसान की वजह से था ऐसा जो होता था. उसका नाम था कोठा मंगलम सुब्बू. अब ये कोठा मंगलम सुब्बू कौन है, अब देखो ये मैंने यहाँ ग्रीन लाइन कर रखी है. ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. अब क्या है, ऑथर इस लाइन से सुब्बू के बारे में, कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में एक्सप्लेन करना चालू करेगा कि कौन है और ये क्या भला है. सुब्बू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो. अब आपको याद होगा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था नंबर वन और नंबर टू याद रखना. सुब्बू को नंबर टू कहा गया है जेमिनी स्टूडियो पे. मतलब क्या है, जो हमारे जेमिनी स्टूडियो का फाउंडर थे वासन, उसके नेक्स्ट बाद नंबर वन पे वो थे, नंबर टू पे नेक्स्ट बाद जेमिनी स्टूडियो में जो ओहदा होल्ड करते थे वो सुब्बू करते थे. ही कुडंट, यार ये कलर्स आ जाते बार बार, ही कुडंट हैव हैड मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. अब इस लाइन में क्या कहा गया है, ऑल द बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से लाइन कही गई है, पर इसका सिंपल मतलब ये है कि जो सुब्बू था उसे बहुत तगड़ी एनकरेजिंग ओपनिंग मिली थी फिल्म इंडस्ट्री में. मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूँ, फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग नहीं है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग नहीं होती. तो क्या कहा गया है कि भाई जो सुब्बू था ना, उसे बहुत बढ़िया ओपनिंग मिली थी फिल्म इंडस्ट्री में, किसके मुकाबले, हमारे मेकअप बॉय के मुकाबले. तभी वो मेकअप बॉय था और सुब्बू जो है वो नंबर टू था जेमिनी स्टूडियो पे. ऑन द कॉन्ट्ररी, पर अगर हम कंपेयर करें सुब्बू को और हमारे मेकअप बॉय को, ही मस्ट हैव हैड फेस्ड मोर अनसर्टेनिटीज एंड डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. तो अब ऑथर क्या बताता है कि हालांकि जो हमारा सुब्बू है उसको बहुत सारी अनसर्टेनिटीज और डिफिकल्ट, मतलब बहुत मुश्किलें और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना अनस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ी थी जब उसने कैरियर अपना स्टार्ट किया था. क्यों, क्योंकि देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज. क्योंकि जब उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, भाई सुब्बू ने ऐसा लग रहा है इन लाइनों से कि हमारे मेकअप बॉय से जल्दी कर दिया था, हमारे ऑफिस बॉय से जल्दी अपना कैरियर स्टार्ट किया था. तो उस टाइम जब उसने कैरियर स्टार्ट किया था तब कोई प्रोडक्शन कंपनीज या स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे फिल्म इंडस्ट्री से, इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन. और अगर हम पढ़ाई की भी बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल और कॉलेज, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. सुब्बू जो है उसे उस क्षेत्र में भी कोई ऐसी खास एडवांटेज नहीं मिली थी जब वो पढ़ा लिखा था. मतलब कहने का मतलब मोटा मोटा यहाँ पे ये है कि सुब्बू हमारे ऑफिस बॉय से पढ़ाई लिखाई में भी पीछे था. बट बाय वर्च्यू ऑफ बींग अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड,
अब यहां पे हमारा ऑथर क्या कहता है, वर्च्यू का सबसे पहले क्या मतलब होता है, वर्च्यू का मतलब होता है कि द वर्च्यू ऑफ समथिंग इज एन एडवांटेज और बेनिफिट दैट हैज स्पेशली इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, जब आपके पास किसी चीज की एडवांटेज होती है। तो यहां पे ऑथर क्या कहता है, पर क्योंकि सुब्बू के पास एक एडवांटेज थी, क्या कि वो ब्राह्मण में पैदा हुआ था, अ वर्च्यू इंडीड। अब ये क्या राइटिंग स्टाइल है, उसने इस बात को और ज्यादा दम दिया है कि उस टाइम तो भाई सही में ब्राह्मण के पैदा होना तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज मानी जाती थी। तो क्योंकि वो एक ब्राह्मण के में पैदा हुआ था, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, उसके पास जरूर बहुत ज्यादा एक बेनिफिट रहा होगा, ज्यादा एक्सपोजर रहा होगा मोर एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल और रिच सिचुएशंस एंड पीपल, यानी लोगों में बैठने का एक्सपोजर। अब मैं उस लाइन का पूरा मतलब बता देता हूं कि भाई सुब्बू ऑल दो एजुकेशन में हमारे ऑफिस बॉय से पीछे था, और भाई वो जब उसने स्टार्ट किया उस टाइम कोई स्टूडियो वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी वो फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बढ़िया स्टार्ट क्यों कर गया, क्योंकि भाई वो ब्राह्मिन्स में पैदा हुआ था और उसके पास एक एडवांटेज थी, क्या कि उसका एक्सपोजर था, मतलब उसका उठना बैठना था एफ्लुएंट सिचुएशन और पीपल में, मतलब उसका भाई, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले ली गलती से, उसका भाई उठना बैठना, वो भाई घूमता फिरता था, बातचीत थी उसकी एफ्लुएंट पावरफुल लोगों के साथ, और एफ्लुएंट लोगों के मीटिंग्स वगैरह उनमें आने जाने का उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, इसलिए वो अपना फिल्म इंडस्ट्री का कैरियर अच्छे से स्टार्ट कर पाया। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल ऑल द टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। अब भाई यहाँ पे सुबह बड़ी अच्छी खासियत बताई है कि उसके पास एबिलिटी थी चीयरफुल लुक करने की, मतलब बड़ा खुश दिखता था वो हर समय, उस दौरान भी जिस दौरान उसका हाथ एक फ्लॉप फिल्म में पड़ चुका था, मतलब ऑल दो उसकी एक मूवी बुरी तरह पिट चुकी थी, पर वो उस दौरान भी हर टाइम बड़ा चीयरफुल और खुश दिखाई देता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन। अब वो उसके बारे में, सुबह के बारे में और क्या बताता है कि उसके पास ना, उसके पास जब भी कोई चला जाए, उसके पास हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर होता था। क्यों? क्योंकि ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो ना अपने आप से सारा काम खुद नहीं कर पाता था, वो उसको कोई ना कोई चाहिए होता था, या कोई ना कोई उसके पास ज्यादा काम होता था देने को। बट हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कंप्लीटली। अब ये लाइन समझने वाली है, थोड़ी डिफिकल्ट है। क्या कहता है ऑथर, ऑल्दो वो अपनी तरफ से कुछ काम अकेले नहीं कर पाता था, पर क्या हुआ, हिज सेंस ऑफ लॉयलिटी, मतलब उसके अंदर जो एक आदत थी कि वो जो वफादारी थी, उस वफादारी से उसने अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया, मतलब उसने अपनी एक पहचान बना ली, बहुत अच्छी बड़ी कंप्लीट पहचान बना ली अपने प्रिंसिपल के आगे। प्रिंसिपल के आगे मतलब अपने बॉस के आगे, यानी ये एसएस वासन के आगे। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू प्रिंसिपल्स एडवांटेज। और उसने जब अपनी पहचान बना ली अपने अपने बॉस के आगे, तो उसने अपनी पूरी क्रिएटिविटी का पूरा भाई इस्तेमाल कर दिया अपने प्रिंसिपल, अपने बॉस के फायदे के लिए। He was tailor made for films. भाई वो जो बंदा था, ये सुब्बू जो था, ये बना ही मूवीज के लिए था। Here was a man who could be inspired when commanded. मतलब सुब्बू एक ऐसा इंसान था जिसको अगर डायरेक्शन दी जाए, जिसको अगर रास्ता दिखाया जाए, तो वो बहुत जबरदस्त काम करता था और वो बड़ा इंस्पायर हो जाता था। यार सुब्बू बेसिकली एक वो इंसान था जो अगर मम्मी पापा और ट्यूशन वालों का, स्कूल वालों का डंडा पड़े, तो भाई 97-99 नंबर ले आएगा, पर अगर उसको कोई डायरेक्शन ना दे, उसको कोई डंडा ना करे, तो भाई वो नहीं नंबर ला पाता। तो अब यहाँ पे एक अलग सिचुएशन, यहाँ पे मानो एक तरीके से कट लग गया, और एक सिचुएशन बताता है ऑथर क्या होती है। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, द प्रोड्यूसर वुड से। अब जो ऑथर एक सिचुएशन बताता है जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो सुब्बू से क्या कहता है, एक सीन समझा रहा है प्रोड्यूसर सुब्बू को, क्या कि एक हमारी मूवी में एक सीन है जिसमें कि जो रैट है, जो चूहा है, वो एक टाइग्रेस से अंडर वाटर, पानी के अंदर लड़ाई करता है और उसको मार देता है। टेक्स पिटी ऑन द कब्स, पर पिटी का मतलब क्या होता है, पिटी का मतलब होता है दया करना, पर वो उसको मारने के बाद चूहा जो टाइग्रेस है उस पे, उसके बच्चों पे दया कर जाता है। एंड टेंड्स देम लविंगली, टेंड्स का क्या मतलब होता है, टू केयर फॉर, और उनका ध्यान रखने लगता है बहुत ज्यादा प्यार से।
आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन। तो अब ऑथर जो प्रोड्यूसर है वो सुब्बू से क्या कहता है कि यार एक ऐसा ऐसा शॉट है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये वाला ये शॉट है जो हमें करना है इस मूवी में, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं कैसे इसको शॉट करूं, कैसे इसका सीन बनाऊं, कैसे एक्टिंग करवाऊं। तो प्रोड्यूसर सुब्बू से कहता है, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग। और सुब्बू इतना क्रिएटिव और इतना इंटेलिजेंट इंसान है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी प्रोड्यूसर के कहते ही चार अलग अलग तरीके निकाल देता है किस चीज के, कि रैट इस चीज को दिखाने के लिए मूवी में कि कैसे दिखाया जा सकता है कि रैट पोर कर रहा है अफेक्शन, मतलब प्यार दिखा रहा है विक्टिम्स ऑफस्प्रिंग, विक्टिम ऑफस्प्रिंग को। विक्टिम का क्या मतलब होता है? एक शिकार, जो शिकार हो गया हो। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। तो कहने का मतलब क्या है कि सुब्बू जो है वो चार अलग अलग तरीके बता देते हैं कैसे हम इस शॉट को करें जिसमें कि विक्टिम के ऑफस्प्रिंग को रैट प्यार करता है, यानी टाइगरेस, जहां पे विक्टिम कौन है, टाइगरेस, उसके बच्चों को रैट जो है वो प्यार कर रहा है। इसके करने के वो चार अलग अलग तरीके बता देता है, गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। पर इस पे अब प्रोड्यूसर क्या रिप्लाई करता है, प्रोड्यूसर इस पे रिप्लाई करता है, अच्छा अच्छे मेथड बता रहे हो, पर मुझे नहीं पता यार कि क्या ये जो हमारी ऑडियंस है उनको इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्या इतना अच्छा बनेगा भी जो हम सोच रहे हैं। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ये कहता है सुब्बू को, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर alternatives। और सुब्बू इतना क्रिएटिव आदमी है कि प्रोड्यूसर के ये बात कहते ही वो 14 और तरीके बता देता था कैसे इस शॉट को हम फिल्म कर सकते हैं। तो भाई यार अब कुछ लगभग यहाँ से, हमारा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमारे ऑथर ने एक इंसिडेंट बताया सुब्बू की क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करते हुए, और आगे हम मेरे ख्याल से हम नहीं बढ़ेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो अब आगे जो है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पर आगे भी हम सुब्बू के बारे में बहुत सारी तारीफें पढ़ने वाले हैं और कुछ और लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो भाई चैप्टर के नोट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट में चले जाओ, और यार आप लोगों का शेयर मिले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपका लाइक बहुत हेल्पफुल है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वो तो जरूर कर ही देना। थैंक्स गाइज एंड बाय।